हमारे लोकड़ताल पर बैठे भाई, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारे माताएं बहने बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई साथियों, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। इसमें सब्र भी रखना है, इसमें धैर्य भी रखना है और इसमें चौकस भी रहना है। ऐसा गुंडा राज हम पहली बार देख रहे हैं। पुलिस तो हमला करती बहुत बार देखी, लेकिन सरकारी गुंडे हमला करते पहली बार देखे। गाजीपुर में हमला हुआ, घरौंडा में हमला हुआ, हमारा जो कुंडली बॉर्डर है वहां पे कल हमला हुआ, बता रहे हैं आज फिर हमले की तैयारी चल रही है। वो चाहते हैं कि हम भी उन पर वापिस हमला करें और एक तनाव की स्थिति पैदा हो, आपस में मारकाट मचे और आंदोलन किनारे रह जाए और दंगों में इसको बदल दिया जाए। लेकिन हमने फिर भी संतोष रखना है। कल जिन लोगों ने हमला किया, लाल किले में जिन लोगों ने किसान आंदोलन से गद्दारी की, उनकी फोटोएं अमित शाह से आ रही हैं, उनकी फोटोएं मोदी के साथ हैं। कल जिन लोगों ने वहां हमला किया, उनकी फोटो भी नेताओं के साथ में है, उनकी फोटो भी अमित शाह के साथ में। कल जिन लोगों ने वहां बट्टे मारे, ये इससे बड़ी गुंडागर्दी देश में देखी नहीं जा सकती। कल हमारे एक दो भाइयों को उठा के ले गए हैं, पुलिस वाले उठा के ले गए, उनसे क्या व्यवहार किया है वो पता नहीं, अभी तक पता नहीं है कहां पे लापता है। और वहां के एसएचओ ने, खुद इलाके के लोगों को इकट्ठे किया, लोग नहीं आए, केवल चंद बीजेपी के कार्यकर्ता थे। किसान संघ का जो प्रधान है वो इकट्ठे करने का शब्द था, आरएसएस का जो ब्रांच है, किसान संघ ठेकेदार बनते हैं किसानों के भी, तो ये हालत हो रही है। और दूसरी तरफ हम बीजेपी को चेतावनी भी देना चाहते हैं, अगर कोई उनमें और जोर बाकी है आंदोलन को तोड़ने का, अगर उनके पास कोई और सियासत बाकी है आंदोलन को तोड़ने की, अगर उनके पास और जो झटिया से घटिया षड्यंत्र है आंदोलन को तोड़ने का, तो वो सारा जोर लगा ले, लेकिन आंदोलन के पास से भी नहीं टूटेगा। समझ नहीं रहे वो लोग, समझ नहीं रहे ये लोग, ये आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ नहीं है, ये किसी प्रधान का खड़ा किया हुआ नहीं है, ये तो उस मालिक का संदेश है, समझ लेना चाहिए। जब सारा देश ग्राउंड पे आ गया, समझ नहीं रहे वो लोग। आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाएं, किसी मेले में चले जाएं, हर चीज का रेट सोया हो जाता है, लेकिन ये वो तीर्थ है, चाहे गाजीपुर तीर्थ कह लीजिए, चाहे कुंडली तीर्थ कह लीजिए, चाहे टीकरी तीर्थ कह लीजिए, जहां सारा सामान फ्री है। और एक और गलती सरकार ना करे, सरकार सोचे कि शायद यूपी वाले भाई अलग है, सरकार कहीं गलती ना करे कि शायद टिकट अलग है। हम हरियाणा के भी जान देने के लिए तैयार है, यूपी वालों के लिए किसी मुकालते में आ रहे सरकार। जब हमें पता चला कि टिकरी के गाजीपुर में ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, उसी वक्त हमने वीडियो डाल दी थी। और मैं हरियाणा के भाइयों को सलूट करना चाहूंगा, जो रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे
भारी धुन के बावजूद जिन्होंने गाजीपुर की तरफ कूच किया, उत्तर प्रदेश के भाई रात को गाजीपुर की तरफ चल पड़े और आज ये देख रहे हैं। हम कहते हैं अगर बीजेपी में और दम है तो और पंगा लेकर देख ले, जितना जोर लग पड़ता है बीजेपी वाले लगा ले, जितना जोर लग पड़ता है सरकार लगा ले। कभी ये कहे हमारे में जोर बाकी रह गया, हमने जिहाद कर दी थी। हम ज्यादा दिल्ली में रखे आए लड़ने के लिए और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। शहीदियां प्राप्त कर सकते हैं या वापस नहीं जाएंगे हम लोग। इन्होंने हिंदू सिख में बांटने की कोशिश की लेकिन मुंह तोड़ जवाब आया, देख लीजिए सारे इकट्ठे बैठे हैं, हिंदू भी सिख भी मुसलमान भी हमारे बीच में बैठे। अकेले किसान किसान एकता नहीं, आज हमारे बीच में मजदूर, आज हमारे बीच में दुकानों वाले भाई, आज हमारे बीच में दिल्ली वाले भाई जिनका खेती से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले के संदेश को नहीं समझ रहे लोग। अरे डूब क्या मर जाना चाहिए इनको। आपके पक्ष में 200 दिल्ली के सिपाही का इस्तीफा दे गए, हम सल्यूट करते हैं उनको। एक वक्त आएगा जब इनका गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आह्वान करता हूं आप लोगों से, पुलिस वाले तो हमारे भाई हैं, मुझसे उन्हें नहीं टकराना। जो लोग 200 लोग आपके पक्ष में इस्तीफा दे सकते हैं वो लोग आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों से हैं, अधिकारी भी हमारे दुश्मन नहीं है। अगर हमारा कोई बुरा कर रहा है, अगर हमारा कोई नुकसान कर रहा है वो है ये नेता लोग जो सत्ता में बैठे हैं आज। ये हमें दिल्ली में नहीं घुसने देते, ये हमारे पे हमले करवाते हैं, ये अपने गुंडे लाते हैं, लेकिन जब ये लोग हमारे गांव में आए तब इनसे क्या सलूक करना चाहिए बताइए। मत घुसने देना, इनका कुत्ता भी गांव में लागू से इनको ऐसा कर देना, कुत्ता भी गांव में लागू। इनकी समझ में शराबत नहीं आती। अरे क्या मांग रहे हैं हम? हम देश को बचाने के लिए आए हैं। क्या मांग रहे हैं हम? खा गए देश को कारपोरेट वाले। एक आदमी की आमदन 90 करोड़ है घंटे की, 90 करोड़ अगर पूरे साल की जोड़ दी जाए ना, जितने पूरे देश के किसान हैं, पूरे देश के किसान में टोटल कर्जा है, जितने 3.5-4 लाख किसान वर्ग हैं पिछले 20 साल में, उतनी आमदन एक आदमी की है एक साल की, और क्या खाएंगे देश को? उतनी आमदन एक आदमी के जितना सारे देश के किसानों में कर्जा है। अरे हम तो जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई अमीर बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई केवल जिंदा रहने की है। हमारे 45% बच्चे इस देश के आज कुपोषण का शिकार है। 45% बच्चों को खाना पूरा नहीं दे पा रहे। आज भुखमरी में हमारा देश 94वें नंबर पे आ गया 107 देशों में। अरे हमारी लड़ाई जिंदा रहने की, हम जिंदा रहे तो जीने मकड़ों का भी अधिकार है, जिंदा रहे तो हर जीव का अधिकार है। अगर हम आंदोलन करते हैं इससे शांतिपुर का आंदोलन हो सकता है कि हम 2 महीने से बैठे हुए हैं, कोई तनख्वाह फसाद नहीं है, लाखों लोग दिल्ली में घुसे लेकिन किसी ने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, लाखों लोग घुसे एक पत्ता तक नहीं तोड़ा किसी ने, इससे शांति प्रिय आंदोलन और क्या हो सकता है। धार्मिक दंगे फलवाते हैं अपने गुंडे भेज के, इससे घटिया चाल इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है। ये पार्टी ही देश में दंगे करवा के आती है, जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे, मजहबों के नाम पे, इलाके के नाम पे।
साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है। बस मैं इतना सा आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि वो आपको जगह जगह पे हमले करके भड़का रहे हैं और वो सोचते हैं कि आप उन पर उल्टा हमला करें। हमें केवल अपनी सुरक्षा करनी है, केवल अपनी सुरक्षा करनी है, उन पे हमला नहीं करना। कहीं वो आए उन पे उल्टा हमला नहीं करना, हमें केवल अपनी सुरक्षा करनी है। यहां की पुलिस साथ मिलकर सब कुछ करवा रही है। आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा जो आप लोग हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से, अभी कल 2000 ट्राली हरियाणा से आ गई है, 2000 से भी ज्यादा 2000 कारें हरियाणा से आ गई है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश से आ गई है, पंजाब वाले भाई चल पड़े हैं। आज हरियाणा से कम 5000 ट्राली और धरना पर पहुंच जाएगी। उत्तराखंड भी जी, मैं हरियाणा वाले भाइयों को, उत्तर प्रदेश वाले भाइयों को सैल्यूट करना चाहूंगा जो एक दूसरे की मदद में इस तरह से खड़े होते हैं जैसे अपने भाई को चोट लगी है। उत्तराखंड भी जी, उत्तराखंड, उत्तराखंड वाले भाई, मैं भूल ही गया था उत्तराखंड वाले का नाम लेना, ये सबसे पहले मोर्चा उत्तराखंड वालों ने लगाया था। यहाँ धन्यवाद दिया उत्तराखंड वाले भाइयों के जो इतनी दूर से आके रास्ते में लड़के आए और फिर यहाँ भी आके लड़े। सबसे पहले खड़ा उत्तराखंड के भाइयों ने यहाँ पे जमाया था, उन सबके धन्यवाद दी है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि पता चला है कि पीछे दंगा होने का खतरा हो गया है, फिर इकट्ठे होके आने लग रहे हैं इस पे कुंडली बॉर्डर पे। अभी स्टेज के पास पहुंचने वाला था तो मेरे पास फोन आया था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, वहां पे कोई दंगा ना हो जाए। तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, बहादुर लोगों के, सूरमा लोगों के दर्शन करने के लिए आया था, जो रात को धुंध पड़ती में रात को 12 बजे 1 बजे अपने घर से निकले थे और यहाँ पे अपने भाइयों की मदद के लिए आए थे। आप सभी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद।